अब आप मेरे कोर्सेस को MM Academy ऐप पर एंजॉय कर सकते हो, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है पूरी तरीके से, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स आने वाले दिनों में उस पर भी आने वाले हैं, जैसे कि जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर जो है वो भी चल रहा है, मॉक टेस्ट आने वाले हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐप पर देखने को मिलेगी जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बना सकती है। और ये सिर्फ UPSC के लिए ही नहीं, तो यहाँ पर आपको CAPF, CDS, स्टेट PSC बहुत सारी एग्जाम्स के लिए ये जो कोर्सेस है बेनिफिशियल रहेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जो MM Academy ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसी के साथ साथ आपको PDF भी वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगी जिससे कि आप रिवाइज कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आपको वहाँ पर डेमो लेक्चर जो है वो भी देखने को मिलेंगे। डेमो लेक्चर्स आप एंजॉय कर सकते हो, आप देख सकते हो किस तरीके की क्वालिटी है, हाईएस्ट क्वालिटी आपको मिल रही है, हाईएस्ट क्वालिटी। और यहाँ पर फिर उसके बाद अलग अलग प्लान्स जो है वो आपको नजर आएंगे, तो जितने भी वेरियस प्लान्स है, मतलब एक महीने का है, उसी के साथ साथ 90 डेज का है, 180 डेज का है, 365 डेज का है, इवन 2 ईयर्स का भी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो 2022 में एग्ज़ाम देने की, तो फिर आप 2 साल का प्लान ले सकते हो आराम से, निश्चिंत रहकर। उस टाइम तक तो इतने सारे कोर्सेस आ जाएंगे, इतनी सारी बैचेस हो जाएगी, इतनी सारी चीज़ें आपको ऐप पर अवेलेबल रहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत सही तरीके से हो जाएगी। इवन 1 साल के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जो 2021 में देना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर मोस्टली जो प्लान्स आप देखोगे तो 1 साल का और 2 साल का काफ़ी कम है, इतने मिनिमल रेट पर आपको सब कुछ मिल रहा है, और ये जो प्लान्स है ये बढ़ जाएंगे, जो प्राइजेस है वो बढ़ जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द जो आप सब्सक्रिप्शन है वो लीजिए, आपको वेरियस इससे आप वहाँ पर पे कर सकते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भीम है, नेट बैंकिंग है, एंड इवन UPI भी है, तो यहाँ पर UPI के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, तो काफ़ी बेनिफिट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में, और आज हम 4 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। सैटरडे होने की वजह से ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन जो भी आर्टिकल्स एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उन्हें कॉम्प्रहेंसिव तरीके से अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर आर्टिकल चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ के बारे में ही है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, काफ़ी यूनिक आर्टिकल्स है, तो उन्हें हम कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो प्लेस है वो यहाँ पर आपको बताना है कि प्लेस कौन सी है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर कुछ वोकैब हम देख लेते हैं, नए वर्ड्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो 4 नए वर्ड्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं, उसका इंग्लिश में मीनिंग, यहाँ पर हिंदी में मीनिंग, और यहाँ पर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में भी इन वर्ड्स के ज़रिए एक सेंटेंस जो है वो तैयार कीजिए, उसी के साथ साथ आपके पूरे दिन भर में ये जो वर्ड्स हैं ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी वोकैब जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग होती है तो बट ऑब्वियस है कि आपकी जो लैंग्वेज है उस पर कमांड आ जाती है। तो यहाँ पर पहला वर्ड आता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी ये बेसिकली अगर मीनिंग देखें हम इंग्लिश में, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो गवर्न की जाती है वेल्दी लोगों के द्वारा, मतलब धनी लोग जो है उनके द्वारा एक राजनीतिक प्रणाली में शासन हमें देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब क्या है, लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है, यहाँ पर प्लूटोक्रेसी मतलब क्या है, वेल्दी लोगों के द्वारा जो ऐसी सिस्टम जो गवर्न किया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। अब यहाँ पर जब हम सेंटेंस में देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द फाउंडिंग फादर्स वॉज एक्सेसिव पॉलिटिकल पावर, बी इट वाया मोनार्की और प्लूटोक्रेसी। यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल कंसर्न जो है फाउंडिंग फादर जो एक्सेसिव पॉलिटिकल पावर देखने को मिलता है वो आइदर मोनार्की, मतलब यहाँ पर मोनार्की मतलब क्या होता है, डिक्टेटरशिप टाइप का होता है मोनार्की, और दूसरा यहाँ पर प्लूटोक्रेसी जो वेल्दी लोग हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है, और बहुत सारी जगहों पर हमें इसी तरीके की सिस्टम जो है वो देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पर आता है फिरमेमेंट। फिरमेमेंट मतलब होता है वॉल्ट या फिर आर्क ऑफ द स्काई, ठीक है, आकाश का मेहराब इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो नेचर इज शाइनिंग स्पॉटलाइट ऑन सम ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द एंटरप्रेन्योरियल फिरमेमेंट। तो इस तरीके से क्या है कि एक आर जो फॉर्म होता है ना उसे हम कहते हैं फिरमामेंट। तो ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा होता है डियाफेनस, मतलब लाइट, डेलिकेट या फिर ट्रांसलेंट, यहाँ पर हल्का, नाजुक या फिर पारभासी,
तो इसमें क्या है, दी इन द सेम चेम्बर साइमिल्टिंग द डायफेमनस मार्शियन एटमोस्फियर द हेलीकॉप्टर रोज देन होवर्ड स्टेडिली एंड सॉफ्टली लैंडेड। यहाँ पर क्या है, मतलब आप किसी भी इसमें, यहाँ पर देखिए जब आपको डेलिकेट वर्ड यूज़ करना है ना, उसमें आप ये वाला जो वर्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो शब्द है ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है टायरो। टायरो मतलब होता है बिगिनर और अ नोविस, मतलब यहाँ पर क्या है ना, नवकाशिक। यहाँ पर है आई वॉज अ किड पोएट एंड टायरो क्रिटिक देन। तो यहाँ पर क्या है, एकदम बिगिनर, मतलब अगर आप जिम एकदम शुरुआत कर रहे हो तो आप टायरो हो, अगर आप जो UPSC उसकी एकदम जब शुरुआत कर रहे हो तो आप टायरो हो। तो इस तरीके से जो वर्ड्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड जो है आप सेंटेंस बनाकर अपने हिसाब से ज़रूर यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर हम आते हैं पेपर पर, तो एक्सप्लेन सेक्शन, एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो उसमें कोवैक्सीन जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर स्टैंड अप जो है 9 वीक्स, तो इंडिया के पास कौन कौन से ऑप्शंस है, तो देखिए यहाँ पर इंडिया के वेरियस ऑप्शंस जो है वो बताए गए हैं। तो कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, उसका क्या रिजल्ट, उसका क्या परिणाम हो सकता है, इन सब के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इसे भी हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, मतलब चाइना जो है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ये वाला जो है प्लास्टिक क्राइसिस, तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से जानेंगे। अब देखिए ये वाला जो आर्टिकल है, व्हेन पुश कम टू क्रंच, अब बेसिकली यहाँ पर बात क्या की गई है कि अगर यहाँ पर फाइट होती है, ठीक है, अगर यहाँ पर फाइट जो है वो होती है, तो मतलब बहुत सारे जो सिनारियो है वो यहाँ पर निकल सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर चाइना जो है उसका पगड़ा भारी रहेगा, क्योंकि चाइना के पास बेटर वेपन्स है, बहुत सारी जो टैक्टिक्स है वो चाइना के पास ज़्यादा है, तो इसीलिए हो सकता है कि चाइना का पगड़ा भारी रहेगा, इंडिया का जो है वो नाजुक रहेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिनारियो हमें देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या वॉर होता है, तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच में नहीं होगा, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ जो है, डिफरेंट कंट्रीज़, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सिर्फ यहाँ पर इंडिया चाइना वॉर नहीं रहेगा, हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो जाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी अलग चीज़ें भी इसमें कंसिडर की जानी चाहिए, जैसे कि पहली चीज़ है ऑन ग्राउंड, इंडिया जो है उसने एडिशनल ट्रूप्स, उसी के साथ साथ बैटल टैंक्स, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल्स, बहुत सारी जो मिसाइल बैटरीज होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी LAC के पास भेज दी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वॉर के लिए इंडिया ज़्यादा तरीके से तैयार है। वो होता है ना कछुआ और जो रैबिट है, दोनों के इसमें जो रैबिट है वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, और वो यहाँ पर रेस्ट ले लेता है कि कछुआ जो है वो तो आ ही नहीं पाएगा, उसे तो जन्मों लग जाएंगे यहाँ तक आने के लिए। लेकिन स्टेडीली जो कछुआ है वो यहाँ पर स्ट्रेटेजी के साथ पार कर लेता है और रेस जो है वो जीत जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें वही चीज़ देखने को मिलती है। तो इंडिया ने ऑलरेडी सारी तैयारी जो है वो कर ली है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ब्राह्मोस मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंडिया की तरफ से तैनात की गई है। उसी के साथ साथ सेकेंड चीज़ अगर हम देखें तो 1962 के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिल रही है ना, तो इसलिए यहाँ पर इंडिया जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है। काफ़ी सारे अगर हम डिफेंस सिस्टम देखें तो उसमें भी इंडिया जो है काफ़ी एडवांस लेवल पर पहुँच चुका है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो चाइना जो है उसने काफ़ी साल से जो वॉर है वो फाइट नहीं किया है। वियतनाम के साथ जो उसका वॉर हुआ था उसके बाद से उसका वॉर हुआ ही नहीं है, लेकिन इंडिया जो है उसने फ्रिक्वेंट इस पर जो वॉर है वो फेस किए हैं, भले वो कारगिल वॉर हो जाए, है ना, तो उससे पहले अगर 1971 का वॉर हो जाए, तो इस तरीके से इंडिया जो है उसने कंटिन्यूसली ये किया है और उस तरीके से अपनी टैक्टिक जो है वो डेवलप की है, उस तरीके से अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसे डेवलप किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इंडिया के फेवर में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता भी है तो हालांकि चाइना जो है उसका हो सकता है टेक्निकली इसमें ज़्यादा एडवांसमेंट रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो USA है उसका साथ रहेगा इंडिया को, फ्रांस का साथ रहेगा, रशिया जो है वो न्यूट्रल रहेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है जो हमें बॉर्डर करती है, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है वो यहाँ पर एक बफर जोन की तरह काम कर सकते हो, इंडिया को उसका बेनिफिट मिलेगा रैदर दैन चाइना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आइए एक एक करके हम बाकी जो आर्टिकल्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर बाकी जो आर्टिकल्स हैं और भी न्यूज़ आर्टिकल हैं, इंडिया चाइना यहाँ पर ब्रिक्स जो है वो मीट समिट अटेंड कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ आर्टिकल्स है, छोटी छोटी न्यूज़ आर्टिकल्स है, इसके जरिए हम ब्रिक्स जो है उसके बारे में देखेंगे। जैसा मैंने आपको कहा है जो न्यूज़ आर्टिकल्स होती है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि न्यूज़ में क्या दिया गया है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सी बॉडी वहाँ पर इस्तेमाल की गई है,
बॉडी मतलब कौन सी बॉडी उसमें न्यूज़ में आ रही है, उसी के साथ साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करके मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें लेकर आता हूँ। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इतना सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब आप सोचिए न्यूज़पेपर, अब ये पूरा आर्टिकल है, इसमें से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 80% है, बाकी 20%, तो आप समझ सकते हो कि न्यूज़पेपर एनालिसिस में कितना एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो लगाना पड़ रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि इसके बदले में आप यहाँ पर अगर शेयर कर दो सिर्फ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट की न्यूज़ स्कीम है MSME पुश, यहाँ पर क्रेडिट जो इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स के लिए प्रोवाइड कर रही है, तो ये भी हम जानेंगे यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर पहला जो न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिल रहा है, इंडिया चाइना अटेंड कर रहे हैं ब्रिक्स मीट, होस्ट कर रहा है रशिया। तो अभी यहाँ पर रशिया जो है काफ़ी ज़्यादा होस्ट कर रहा है, रशिया को यही डर है कि भैया यहाँ पर कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं यहाँ पर किसी की भी साइड ना ले पाऊँ। तो इंडिया जो है उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन किए हैं फ्रॉम द ब्रिक्स ग्रुपिंग, जिसमें चाइना भी इंक्लूडेड है, और वर्चुअल मीट है जो रशिया के द्वारा होस्ट की जा रही है। ये सेकेंड टाइम है 2 वीक्स में जहाँ पर रशिया जो है उसने मीटिंग होस्ट की है, और दोनों इंडियन और चाइनीज़ ऑफिशियल जो है वो इसे होस्ट कर मतलब अटेंड कर रहे हैं। अब ये जो मीटिंग है ये सेकेंड टाइम इन 2 वीक्स रशिया जो है वो होस्ट कर रहा है मीटिंग जो इंडियन और चाइनीज़ ऑफिशियल के द्वारा किया जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्रिक्स। ब्रिक्स अगर हम देखें तो ग्लांस में अगर हम देखें ब्रिक्स, आपको पता ही होगा लेकिन तो भी हम यहाँ पर रिवाइज जो है कर लेते हैं। ब्रिक्स इसमें कौन कौन से आते हैं, ये एब्रिवेशन है किसके लिए है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना। और उसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका जो है उसने बाद में ज्वाइन किया था। अब क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन से साल में जो साउथ अफ्रीका है उसने ज्वाइन किया था। अब यहाँ पर ब्रिक्स अगर हम देखें तो एज ऑफ 2011 5 कंट्रीज फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट हमें देखने को मिल रही थी। और ये एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, यूरोपियन यूनियन कैसा एक पॉलिटिकल अलायंस है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, लेकिन ये एक पोटेंशियल जिसमें पावरफुल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है उन कंट्री का एक ब्लॉक है, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर लोअर लेबर हमें देखने को मिलता है, प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर लो देखने को मिलती है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो ब्रिक्स इसमें देखना चाहती है क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, चेयरमैनशिप जो है फोरम की वो रोटेट होती है एनुअली अमंग दी मेम्बर्स, ठीक है। जो ब्रिक्स है उसमें एनुअली यहाँ पर रोटेट होती रहती है, BRICS इस तरीके से रोटेट होती है। अब यहाँ पर 6th BRICS Summit जो हमें फोर्टिलिजा में देखने को मिला था 2014 में, लीडर जो ने एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिला था, है ना। तो ये भी चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, तो यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2001 से लेकर तो यहाँ पर 2016 तक का, है ना, 8th BRICS Summit जो है हेल्ड की गई थी गोवा इंडिया में। तो यहाँ तक का पूरा यहाँ पर दिया गया है किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके का अलग अलग कंट्रीज़ का, यहाँ पर ब्राज़ील अगर आप देखो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके का है, यहाँ पर रशिया, इंडिया आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से है, कितना यहाँ पर ट्रेड हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो चाइना है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, तो इस तरीके से अलग अलग जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले इस पर आते हैं, यहाँ पर ICMR क्लेम कर रहा है कि इट वांट्स टू लॉन्च कोवैक्सीन बाय August 15। अब यहाँ पर कोवैक्सीन को लॉन्च करना चाहता है August 15 तक। तो हमने लास्ट लेक्चर में कोवैक्सीन के बारे में देखा था, और यहाँ पर और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके रिगार्डिंग हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में देखा हुआ है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है बेसिकली क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके रिगार्डिंग भी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो हेल्ड किया जा रहा है बाय डॉक्टर बलराम भार्गव, उन्होंने लिखा है कि टू ऑल 12 ट्रायल साइट्स COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन जो है दैट ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स हैड टू कम्प्लीट बाई 15th August, ठीक है, और ये लॉन्च के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। अब कोवैक्सीन अगर आप देखोगे तो ये डेवलप की गई है बाय द कंपनी भारत बायोटेक इंडिया, ओके, कोलैबोरेशन ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। और ये क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब देखिए क्या होता है कि जो भी जर्म्स हो, जो भी वायरसेस हो, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में अगर आपके शरीर में डाले जाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने आपको कहा है वैक्सीनेशन किस तरीके से होती है, वैक्सीनेशन ऐसे होती है कि जो वायरस है उसे ही आपके शरीर में डाला जाता है, लेकिन इस तरीके से उस वायरस को किया जाता है कि वो आपके शरीर में डिसीज़ जो है वो क्रिएट ना करे, क्लियर है।
अब जब ये वायरस आपके शरीर में डाला जाता है उसके बाद क्या होता है नॉर्मली, अब ये सिनारियो हम बाद में देखते हैं, नॉर्मल सिनारियो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हमें हो गया उसके बाद क्या होगा, हमारे शरीर में उस वायरस को फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ क्रिएट होंगे। मतलब कि हमारे देश पर अगर कोई भी आतंकवादी हमला करता है तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो तैनात रहते हैं उनसे मार भगाने के लिए। उसी तरह अगर हमारे शरीर पर कोई भी वायरस जो है कब्जा करने की कोशिश करता है, कोई भी वायरस अटैक करने की कोशिश करता है, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ क्रिएट होते हैं, वो एक सोल्जर टाइप ही होते हैं जो उस वायरस को मार भगाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे सिनारियों में जब हम रिकवर हो जाते हैं इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो सोल्जर्स पैदा हुए, हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट हुए हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, अब उनको ये मेमोरी आ चुकी है। जिस तरीके से अगर एक आतंकवादी आया है हमारे देश में, अब उसे किस तरीके से मारना है ये हमें सोल्जर्स को, हमारे सोल्जर्स को पता चल गया है, तो अब अगली बार वो आया तो आराम से मार भगाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर एंटीबॉडीज जब क्रिएट होती है तो दोबारा वो वायरस अटैक करने के पहले ही एंटीबॉडीज उसे मार देती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन में क्या होता है कि वो वायरस जो है वही इंसर्ट किया जाता है, लेकिन इस तरीके से कि वो हमें हार्म ना करे, हमें डिसीज़ ना पहुंचाए। और ये जब वायरस एंटर करता है तो हमारी एंटीबॉडीज जो है तो तैयार हो ही जाती है, एंटीबॉडीज को मार भगाती है। उसी तरीके से अब एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो चुकी है तो अब एक्चुअल अगर वायरस भी हमको इम्पैक्ट करने की कोशिश करता है तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हमें देखने को मिल रही है, वन मेड बाय यूजिंग पार्टिकल्स ऑफ COVID-19 वायरस, जैसे मैंने आपको कहा है कि उन्हें मार दिया जाता है, जिससे कि क्या है कि वो हमारे शरीर को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं, रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। अब ये जब हमारे वैक्सीन के थ्रू डाले जाएंगे तो हमारे शरीर को बट ऑब्वियसली ये इन्फेक्ट तो करेंगे नहीं, लेकिन एंटीबॉडीज जो है वो ज़रूर क्रिएट हो जाएगी, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगी इस वायरस के अगेंस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर डोज जब इंजेक्ट किया जाता है पार्टिकल का तो यहाँ पर इम्यूनिटी जो है वो बिल्ड हो जाती है, जैसे मैंने आपको कहा है कि एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं इस वायरस के अगेंस्ट में। अब क्या ये अचीवेबल है, वैक्सीन जो है यूजुअली 3 phases में जाती है ह्यूमन ट्रायल के। स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल दिया है phase 1 phase 2 ट्रायल को अभी तक के, तो अभी 3rd phase जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो और भी अलग अलग वैक्सीन जो है वो हमें डेवलप होती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। अब यहाँ पर आप देखोगे SARS-CoV-2 वायरस, ये स्पाइक्स होते हैं उसके सरफेस पर जो हमारे इसको अटैच होते हैं, ये स्पाइक प्रोटीन होते हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स में एंटर करते हैं और फिर अपने आप को रेप्लिकेट जो है वो करते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि इसे इस तरीके से बनाया जाता है कि वो रेप्लिकेट जो है वो ही ना हो पाए, है ना। मतलब यहाँ पर बॉडी जो है उसे स्पाइक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है एज अ थ्रेट और फिर वो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बिल्डअप कर लेती है। मतलब हमारे शरीर में वायरस जो है वो एंटर कर रहा है, वो जिंदा ही है, लेकिन होता क्या है कि उसके जो स्पाइक है, इस तरीके के जो स्पाइक होते हैं वो यहाँ पर अटैच ही नहीं हो पाते हैं, वो अटैच नहीं होंगे तो बट ऑब्वियसली कि वायरस जो है हमें इन्फेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो ये इस तरीके की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डेवलप कर दी जाती है। यहाँ पर RNA वैक्सीन, ये जो है ये मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे सेल्स को बताते हैं कि प्रोटीन कौन सा बिल्ड करना है। mRNA यहाँ पर हमारे सेल्स को बताता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है सोर्स का, ये कोरोना वायरस का कैसा है, और फिर एंटीबॉडीज जो है उसके अगेंस्ट में बिल्डअप कर ली जाती है, ठीक है। तो ये US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी इन्फेक्शन डिसीज ये यहाँ पर तैयार कर रही है। और एक है DNA वैक्सीन। अब यहाँ पर ये जो वैक्सीन है जेनेटिकली इंजीनियरिंग DNA मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स जो है बिल्ड किया जाता है इस वायरस के अगेंस्ट में। तो इस तरीके के अलग अलग वैक्सीन जो है यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, अब जो स्टेजेस की बात हुई थी तो स्टेजेस हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए क्योंकि क्या है ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं जो चीज़ें हैं वैक्सीन से रिलेटेड ही है, और इसीलिए यहाँ पर जो हमने लास्ट इसमें यहाँ पर जो हमने देखा था ना कि यहाँ पर 2 stages पार हो चुके हैं, 2 phases हो चुके हैं, अब यहाँ पर 3rd phase जो हमें देखने को मिल रहा है। तो अब स्टेजेस ये वाले आर्टिकल में हम जानेंगे। तो August 15 जो है टारगेट कर रहा है फॉर द लॉन्चिंग ऑफ कोविक्स इंडियाज कोविड वैक्सीन और फास्ट ट्रैक एफर्ट यहाँ पर डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी अगर आप देखोगे अलग अलग कंपनीज हमें देखने को मिल रही है, ये कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग यहाँ पर हमें जो वैक्सीन है देखने को मिल रहे हैं। अब प्रोग्रेस ये phase 3 trial में देखने को मिल रहा है, ये phase 3 to begin phase 3, ये इन phase 1 phase 2 phase 3 जुलाई में एक्सपेक्टेड रहेगा। phase 1 phase 2 कंप्लीट हो चुका है इसका और यहाँ पर phase 3 हमें देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट ऑफ दी अगर आप देखोगे तो phase 3 में पहुँच चुके हैं, है ना। मोस्ट ऑफ दी वैक्सीन जो है, इतने सारे वैक्सीन यहाँ पर हो रहे हैं और मोस्ट ऑफ दी वैक्सीन phase 3 में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फेज थ्री में किस तरीके से ये काम करने वाले हैं। तो फेज थ्री बेसिकली क्या है, तो देखिए जब भी वैक्सीन कोई डेवलप होती है, तो यहाँ पर अगर मैंने कर दिया कि ये देखो ये मेरी वैक्सीन है और ये सीधा सीधा ही काम आने वाली है, चलो मैं बेचना शुरू करता हूँ, ऐसा होगा क्या? नहीं, इसके भी अलग अलग फेजेस होते हैं जिस फेजेस में हमें इसे डेवलप करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से स्टेजेस है। तो स्टेज वन होता है R&D का, मतलब टिपिकली 2 to 4 years इसमें हमें लग जाते हैं। कि अब यहाँ पर कोरोना वायरस है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 4 साल लग जाएंगे R&D करने के लिए कि वायरस किस तरीके का है, तो इसके अगेंस्ट में किस तरीके की चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वैक्सीन में क्या क्या रहेगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं R&D करना, ठीक है, उस पर रिसर्च करना, उसके बारे में जानना। ओके, अब यहाँ पर कोरोना वायरस, आप सोचोगे कोरोना वायरस तो अभी अभी आया है, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी फास्ट प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है। एक तो यह है कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो हमें इसके देखने को मिल रहे हैं, और उसी के साथ साथ सेकेंड रीज़न है टेक्नोलॉजी का, है ना, यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी एडवांस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। और सेकेंड स्टेज यहाँ पर आता है प्री क्लिनिकल, मतलब क्या है, जब साइंटिस्ट जो है वैक्सीन को टेस्ट करते हैं सेल कल्चर पर या फिर एनिमल्स पर, मतलब यहाँ पर ह्यूमंस पर नहीं करते हैं लेकिन एनिमल्स पर या फिर जो सेल कल्चर्स होते हैं उस पर यहाँ पर देखा जाता है, और फिर उसका टेस्ट किया जाता है इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब वो जो है इम्यून रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट में किस तरीके से कर रहा है। ये जो वैक्सीन्स है ये चेक की जाती है कि ये सेल्स को हार्म कर रहे हैं या फिर जो इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पर डेवलप की जा रही है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है सेकेंड स्टेज में। फिर आता है यहाँ पर थर्ड स्टेज में होता है क्लिनिकल ट्रायल। अब देखोगे आप थर्ड फेज में मोस्टली सारी जो वैक्सीन है पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर जो डाटा सबमिट किया जाता है प्री क्लिनिकल फेज में, मतलब एनिमल पर जो किया गया है, सेल कल्चर पर जो किया गया है, उसके बेसिस पर यहाँ पर थर्ड स्टेज में जो डाटा है वो सबमिट किया जाता है, और फिर उसके बाद ह्यूमंस पर टेस्ट करने के लिए अलाउ किया जाता है। मतलब अगर इस पर सक्सेसफुल हो जाए कि हाँ एनिमल में यहाँ पर आ गया है, सेल कल्चर में आ गया है, तो ठीक है भैया हम यहाँ पर क्या करते हैं, ह्यूमंस पर टेस्ट करके देखते हैं। तो बहुत ही कम कैंडिडेट जो है इस स्टेज में एंटर होते हैं, और फिर इसमें जो अलग अलग, मतलब 90 मंथ्स तक ये जो फेज़ है चलता है, और जो लोग हैं इस पर ट्रायल किया जाता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जिन पर ट्रायल किया जाता है, और ऐसा होता है कि विदाउट रिस्क यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर लोगों पर ट्रायल हो जाता है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जो फोर्थ स्टेज है वो देखने को मिलती है रेगुलेटरी रिव्यू, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो सबमिट करता है जो भी लाइसेंस उसे रिसीव हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक तरीके से, जब भी इमरजेंसी होती है फास्ट ट्रैक तरीके से, फिर होती है फिफ्थ स्टेज जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने को मिलती है, है ना, एक बार यहाँ पर सब कुछ हो गया फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पर खर्च होता है उस पर, मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्च होगा वो सारी चीज़ें होती है, और फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है, मतलब यहाँ पर जो सेफ्टी है वो मॉनिटर की जाती है, रेगुलेट की जाती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में जो वैक्सीन है उसका क्रिएशन हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि आपको मैच द पेयर में जो स्टेजेस है इसके बारे में पूछ ले, तो ये चीज़ आपको पता रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं स्टैंड ऑफ जो है 9 weeks का, ये एक्सप्लेन किया जा रहा है अब इंडिया के पास कौन कौन से ऑप्शंस है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल मुझे ये लगा, और उतनी ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है इंडियाज ऑप्शन चाइना के बॉर्डर पर किस तरीके के ऑप्शंस इंडिया के पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है एविक द चाइनीज बाय द फोर्स डिस्ट्रॉय व्हाट दे बिल्ट। यहाँ पर क्या है, जो चाइना है उसे हमारी जो फोर्सेस है, हमारी जो फौज है, उसके ज़रिए इवेक्ट कर दिया जाए, उससे भगा दिया जाए, और जो भी उन्होंने बिल्ड किया उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो बट ऑब्वियस है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्स है, और यहाँ पर वॉर जो है वही हमें देखने को मिलेगा, है ना, सीधा वॉर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर चाइनीज़ जो है उनको सीधा पुश कर दिया जाए, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज़ ने डेवलप किया है अलॉन्ग द साइड ऑफ LAC उसे सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब इफेक्ट क्या हो सकता है इससे, तो ये मिलिट्री एस्केलेशन होगा, फुल ब्लोन वॉर हमें देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इंडियन साइड चाइनीज साइड इसके बीच में वॉर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, है ना, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल सपोर्ट जो है इस मूव के लिए वो यहाँ पर गार्नर करना पड़ेगा, और इतने इमीडिएट इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनिशिएशन जो है वो इंडिया की तरफ से रहेगा, तो इसलिए ये अनलाइकली, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी अनलाइकली हमें देखने को मिल रही है। सेकेंड अगर हम देखें क्विड प्रो को टैक्टिक्स, अब ये क्या होता है, इंडियन सोल्जर जो है वो अंदर जा सकते हैं और जो चाइनीज़ टेरिटरी है उसे यहाँ पर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और फिर निगोसिएशन टेबल पर बैठकर दोनों साइड जो है वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी को एक्सचेंज कर सकती है, स्टेटस को यहाँ पर रिस्टोर कर सकती है। ये जो ऑप्शन है हाईएस्ट लेवल पर ऑलरेडी डिस्कस किया गया है,
मोस्ट नोटिसिबली 2012 पॉलिसी डॉक्यूमेंट नॉन अलाइनमेंट 2.0, इसमें बिलीव किया गया था कि मतलब इस तरीके की टैक्टिक जो है वो देखी गई थी। मतलब क्या है बेसिकली कि जिस तरीके से हम यहाँ पर घुस जाएंगे, मतलब ये एक टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ पर घुस गए, ये कैप्चर कर लिया, फिर यहाँ पर क्या होगा निगोशिएशन टेबल की, भैया एक काम करो तुमने जितना, अच्छा ठीक है यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पर हो सकती है। लेकिन ये जो है प्रो एक्टिव ऑप्शन है ना, और उसी के साथ साथ यहाँ पर 8 वीक के टेंशन के बाद अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है, और उसी के साथ मिलिट्री एस्केलेशन जो ये भी रिस्क होता है कि यहाँ पर घुस गए, अच्छा ठीक है हम यहाँ पर पूरा घुसने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है ना, और लार्जर मिलिट्री अटैक जो है चाइना की तरफ से देखा जा सकता है। इसलिए ये अनलाइकली है लेकिन पॉसिबल है कि यहाँ पर निगोसिएशन जो है एटलीस्ट वो किया जा सके। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है होल्ड द लाइंस एंड निगोशिएट। मतलब क्या है ये सिनारियो कब आता है, इंडियन आर्मी जो है वो लाइंस को होल्ड करेगी बाय डिप्लॉइंग इट्स स्ट्रेंथ अलोंग दी LOC। मतलब यहाँ पर क्या है जो लाइन है उस पर अपने पूरे जो फौज है वो यहाँ पर लगा देगी, जितने भी LAC है वहाँ पर, टू इंश्योर चाइना जो है वो यहाँ पर और डीप ना आए, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडियन डिफेंस जो है वो यहाँ पर ट्रूप्स को भी बिल्डअप करेगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा तो क्रिटिकल मटेरियल जो है वो यहाँ पर लिए जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा एडवांटेज जो है वो लिया जा सकता है बाय प्रिवेलिंग ग्लोबल मूड। यहाँ पर चाइना की जो अग्रेसिव बिहेवियर है उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो इंडिया है वो इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकता है ना। इफेक्ट क्या होगा इससे, डाउनसाइड इज प्रोलोगेशन, है ना, स्टैंड अप, और उसी के साथ पॉसिबली इनटू विंटर, और उसी के साथ यहाँ पर हैवी लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल बर्डन जो है इंडियन आर्मी इस पर आ सकता है। उसी के साथ एक्सीडेंटल एस्केलेशन जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि भैया यहाँ पर क्या हो जाए कि रिस्क यहाँ पर हो सकती है कि कुछ यहाँ पर वॉर जी सिचुएशन जो है वो हो जाए, है ना। और उसी के साथ साथ यही जो है ये मोस्ट लाइकली चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये मोस्ट लाइकली हो सकता है इस तरीके से। और उसी के साथ साथ ये होता है एक लिमिटेड वॉर। मतलब क्या है कि ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, मतलब सिर्फ यहाँ पर क्या रहेगा लिमिटेड वॉर, मतलब क्या है कि सिर्फ एक पोर्शन में, मतलब लद्दाख में ये सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो लद्दाख में ही एक लिमिटेड वॉर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट रिस्क होती है इसमें फ्लू ब्लोन वॉर जो है वो हो सकता है ना, और ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। इसमें क्या है यहाँ पर जो इफेक्ट है वो किस तरीके का होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पर जूझ रहे हैं, जो कोविड है उसकी वजह से जूझ रहे हैं, और दोनों साइड जो है वो दोनों साइड से, मतलब इंडिया अगर आप देखोगे तो इस साइड से पाकिस्तान, इस साइड से चाइना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं कि एक तरफ से अगर वॉर हो जाए तो दूसरी तरफ से यहाँ पर जो कंट्री है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ये लिमिटेड वॉर अगर आप देखोगे तो हाईली अनलाइकली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट लाइकली जो चीज़ है यहाँ पर ये वाली हमें देखने को मिल रही है कि निगोशिएशन होल्ड दी लाइंस, लाइंस को होल्ड करना है और निगोशिएट यहाँ पर करना है, ठीक है। तो देखिए टेबल बनाने की वजह से क्या होता है कि आपको इजीली समझ में आ जाता है अच्छी तरीके से, यहाँ पर अगर आप पेपर में पढ़ोगे तो काफ़ी मुश्किल होता है ना, यही तो फ़ायदा होता है फिर वीडियो का, नहीं तो फिर फ़ायदा ही क्या है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं जो कि बात कर रहा है डीकपलिंग फ्रॉम चाइना। अब यहाँ पर चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना वुड बी प्रूडेंट इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। अब यहाँ पर आप देखोगे ट्रेड बॉयकॉट या फिर बैन जो है स्पेशली कॉस्टली हो जाते हैं जब प्रोडक्शन जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन पर चलता है। ग्लोबल सप्लाई चेन किस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इंडिया में हमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना है, हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि एक कार जो है वो हमें इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है। अब जब इंडिया में हमें कार कोई मैन्युफैक्चर करना है तो ऐसे सिनारियो में सारी जो चीज़ें हैं जो कार बनाने में लगती है, वेदर इट्स समझ लीजिए जो अपना ये है इंजन है, जो चेसिस है, जो यहाँ पर ब्रेक्स है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिया में से ही बनेगी या फिर इंडिया से ही ली जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, कार हम यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं इंडिया में, पूरी तरीके से बना रहे हैं इंडिया में, लेकिन जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इसके पार्ट्स होते हैं, वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो चेसिस है वो हम मंगा रहे हैं USA से, ठीक है, हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर USA से चेसिस जो है वो मंगा रहे हैं, फिर उसके बाद जो इंजन है वो हम जर्मनी से मंगा रहे हैं, उसके बाद जो ब्रेक्स है वो हम फॉर से कि चाइना से मंगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो चीज़ें हम यहाँ पर बाहर से मंगा रहे हैं, अब ये 100 रुपये, ये 100 रुपये और ये 100 रुपये, तो ये हो गए 300 रुपये। अब कार में हम इमेजिन करते हैं कि तीन ही चीज़ें हैं सिर्फ,
और उसी के साथ साथ कार जो है इंडिया वालों को बनाने के लिए 100 रुपये लग रहा है, तो कार की कीमत कितनी रहेगी? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, मतलब यहाँ पर टोटल कार की कीमत हो जाएगी 400 रुपीज़। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अब यहाँ पर चाइना जो है, जो ये 100 रुपीज़ का हम मंगा रहे थे चाइना से, ठीक है, ब्रेक्स, अब यहाँ पर चाइना से हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं, हम यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं यूएसए से। यूएसए में ये जो ब्रेक्स है वो मिलते हैं 200 रुपये के, ठीक है। तो अब ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, 100, 100, मतलब कितनी हो जाएगी ये टोटल 200, 300, 400, और इंडिया को बनाने के लिए मतलब टोटल कीमत हो जाएगी 500 रुपये। मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर कॉस्टली हमें देखने को मिलता है ना। और इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिनिश्ड ड्रग्स का। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बात ये प्रोडक्ट्स की नहीं हो रही है, बात हो रही है ड्रग्स की, फार्मास्यूटिकल्स की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर फार्मास्यूटिकल्स के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो फिनिश ड्रग जो है पूरी दुनिया में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और उसी के साथ ही रिलाय करता है सिग्निफिकेंटली चाइना पर, है ना। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं, जो उसमें लगते हैं, तो उसके लिए चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एन एस्टिमेटेड 70% जो API रिक्वायरमेंट है इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, वो चाइना से सोर्स होती हुई हमें देखने को मिलती है। अब ऐसे सिनारियो में आप देखोगे तो फार्मास्यूटिकल्स को अगर हम चाइना के बैन कर देते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया को हो सकती है। अब जब हम फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इंडिया में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर भी भेज रहे हैं, ऐसे सिनारियो में क्या होगा कि जब हम यहाँ पर चाइना से इम्पोर्ट बैन कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, ऐसे सिनारियो में जो प्राइजेस है वो बढ़ जाएंगे, प्राइजेस बढ़ सकते हैं, सप्लाई में डिसरप्शन हो सकता है। ऐसे सिनारियो में जो हमारा एक हम बोलते हैं ना, हमारे जो देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ग्राहक, एक ग्राहक जो है वो फिक्स हो जाता है कि भैया यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो एक जो ग्राहक है वो ये सोचेगा कि नहीं, इंडिया से जो आने वाला माल है वही हम उठाएंगे, इंडिया से आने वाला, लेकिन वो डिसरप्शन आ जाएगा तो उसको कॉन्फिडेंस छूट जाएगा कि यार इंडिया से तो कभी बंद हो सकता है, मेरा इधर जो बिजनेस है वो ठप बैठ जाएगा, तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, दूसरा सोर्स ढूंढने लग जाता हूँ। ऐसा यहाँ पर हो सकता है कुछ ड्रग्स के लिए, जैसे कि पैरासिटामॉल हो गया, ये हो गया, डिपेंडेंसी जो ऑलमोस्ट 100% है। आप सोचिए 100% चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी है पैरासिटामॉल के लिए, अगर हमें बुखार हुए तो फिर मतलब चाइना जो है खुद ही बुखार देता है और फिर उसकी दवाई भी जो है वो खुद ही बेचता है। इस तरह चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये जो इम्पोर्ट है ये यहाँ पर फ्यूल्ड बाय एनवायरमेंटल कंट्रोल्स इन इंडिया और कॉम्पिटिशन जो है चाइना के साथ, है ना, और उसी के साथ साथ यहाँ पर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन जो है इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन का वो हो सकता है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन वर्थ ऑफ एनुअल एक्सपोर्ट्स। और उसी के साथ साथ मार्केट शेयर जो है फॉरेन ओन मल्टीनेशनल इंडिया में अगर देखा जाए तो ड्रामेटिकली फेल फ्रॉम 80-90% 1970 से 50% अर्ली 1980s अगर देखें, तो इतना जो कब्जा है चाइना का वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1970 इंडियन पेटेंट एक्ट, जिसने यहाँ पर प्रोडक्ट जो है पेटेंट प्रोडक्शन प्रोटेक्शन से रिमूव कर दिए थे फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है, वाइडली यहाँ पर लॉड किया गया था फॉर फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इंडियन पेटेंट एक्ट ये यहाँ पर आया है। अब देखिए यही खास चीज़ होती है न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर में ये तो चीज़ बोली गई है, अब आपको ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा कि ये रिमूव कर दिया गया था क्या नहीं किया गया था, लेकिन आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इंडियन पेटेंट एक्ट के बारे में पूछा जाएगा, जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड जो है उसी के रिगार्डिंग आएगी। तो ये हमें इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। इंडिया जो है बेनिफिट हुआ है फ्रॉम द 1973 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा जो है उसके तहत यहाँ पर ये हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ड्रग पॉलिसी लाई गई थी जिसने रिस्ट्रिक्ट किया था, तो यही यहाँ पर ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। इंडियन गवर्नमेंट जो उसने यहाँ पर प्रमोट किया है मोर API प्रोडक्शन कंट्री में, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडियन फर्म जो उनकी कैपेसिटीज़ है फॉर इंस्टेंस की COVID-19 ट्रीटमेंट के लिए इंक्लूडिंग रामदेसिविर जो है ये यहाँ पर बनाए, बाकी जो कंट्रीज है वो सीक करें टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन चाइना API नोटिबली US। मतलब यहाँ पर क्या है भैया, जो भी हम यहाँ पर डिपेंडेंट है चाइना पर वो यहाँ पर कम किया जा सके, है ना, यहाँ पर कम करना ज़्यादा है। कंप्लीट बैन कर देंगे तो फिर भी है तो डिस्ट्रप्शन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर कम करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा, और जो सब्सटीट्यूट है ये यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, बॉयकॉट या फिर बैन जो है यहाँ पर काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है इंडियन इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर क्या है, मच नीडेड मेडिसिन जो इंडियन सिटीजन्स को और बियॉन्ड यहाँ पर एक्सेस जो है उसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन लॉन्ग रन रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना ये एक स्ट्रेटेजिकली प्रूडेंट हो सकती है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर ग्लांस, जैसा मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली, एक तो इंडियन पेटेंट एक्ट देखने को मिला है, फेरा देखने को मिला है, उसी के साथ साथ यहाँ पर न्यू ड्रग पॉलिसी हमें देखने को मिली है। तो ये अब यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है ना।
तो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 अगर हम देखें तो अलॉन्ग विद द पेटेंट रूल 1972 ये फोर्स में आया 1972 में, इसने इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911 को रिप्लेस किया। ऑन दी वन ऑफ द रिकमेंडेशन जो है ये था कि ओनली प्रोसेस पेटेंट विथ रिगार्ड्स टू इन्वेंशन रिलेटिंग टू ड्रग्स मेडिसिन फूड्स एंड केमिकल्स, ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फेरा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, अमेंड किया गया बाय द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1993, और एक्ट जो है कंसर्ट करता है, अमेंड करता है लॉज रेगुलेटिंग सर्टन पेमेंट्स जो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज से डील कर रहे हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन जो डील कर रही है इनडायरेक्टली जो फॉरेन एक्सचेंज को अफेक्ट करती है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है करेंसी का उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज होता है उससे रिलेटेड फेरा जो है वो डील करता है। न्यू ड्रग पॉलिसी अगर हम देखें 78 की, तो फर्स्ट नेशनल ड्रग पॉलिसी डिक्लेयर की गई 1978 में, रिवाइज की गई 3 बार, 86 में, 94 में, 2002 में। और यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसके तहत यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिली, द कंट्री शुड बी सेल्फ रिलायंट इन टेक्नोलॉजी। दूसरा है देयर शुड बी सेल्फ सफिशिएंटी इन ड्रग्स, और क्वालिटी ड्रग जो है वो यहाँ पर एडिक्वेटली अवेलेबल रहना चाहिए रीजनेबल प्राइस पर। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीज़ें सीधी पूछी जा सकती है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं इन अ प्लास्टिक क्राइसिस। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक यहाँ पर हमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया डिस्पोज ऑफ इन 24 आवर्स। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गेट रीड यहाँ पर सेफ्टी या फिर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड स्पेसिफिक सब बस प्रोडक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखो कि मुंबई में भी एक प्रॉब्लम आया है कि जो भी कोविड के जो चीज़ें हैं उसे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज जो है वो नहीं किया जा रहा है ना। कल्याण के वहाँ पर देखा है हमने डंपिंग ग्राउंड जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कल न्यूज़ आर्टिकल हमने देखा था। सेंट्रल टू आर न्यू हाइपर हाइजीनिक वे ऑफ लाइफ यहाँ पर डिपेंडेंस हो रहा है ऑन दी नॉन रिसाइकलेबल आइटम, जैसे कि प्लास्टिक लिंक मास्क है, ग्लोव्स है, हैंड सैनिटाइज बॉटल है, या फिर बाकी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है उससे रिलेटेड। 2018 में अगर आप देखोगे रिपोर्ट एक आई थी मैकिन्जी की, उसने एस्टिमेट किया था कि ग्लोबली हम 350 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है जनरेट करते हैं इन अ ईयर, जो कि 16% इज रिसाइकल होता है। टुडे WHO एस्टिमेट करता है प्लैनेट जो है यूज़ कर रहा है अबाउट 89 मिलियन मास्क, 16 मिलियन ग्लोव्स ईच मंथ, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है ईच मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है प्लैनेट पर किस तरीके का इससे हो सकता है। प्री कोरोना वायरस टाइम अगर हम देखें, अलग अलग नेशन जो है उनके अलग अलग प्रोग्राम थे जो प्लास्टिक वेस्ट है उसे हैंडल करने के लिए। इंडिया में अगर हम देखें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 हमें देखने को मिल रहा था, और इसे अमेंड किया गया था 2018 में। इसमें जो प्लास्टिक के जो साइज़ है उसका भी यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिले थे। अब ग्लोबल सिनेरियो और इससे रिलेटेड UPSC में भी क्वेश्चन आ गया था। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आते हैं जब भी अमेंडमेंट होता है, या फिर जब भी चेंजेस आते हैं, या फिर जब भी कोई न्यूज़ में आता है। ग्लोबल सिनेरियो अगर हम देखें, थाईलैंड जो है जिसने यहाँ पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग बैन कर दिया मेजर स्टोर्स पर, और उसी के साथ इंडिया में महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी पन्नियाँ जो है उसे बैन कर दिया गया था। इंडोनेशिया में 63,000 वर्कर्स रिसेंटली ले ऑफ किए गए रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री, इवन ब्रिंग योर ओन BYO मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट की गई थी सिंगापुर में 2017 में, ठीक है, मतलब खुद अपने लेके आओ यार। और यहाँ पर जो कगद होता है उसकी कैरी बैग्स यहाँ पर देने लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। युगांडा में अगर हम देखें तो मेल्टिंग प्लास्टिक वेस्ट जो है वो यहाँ पर शील्ड फेस करता है, सोल्ड ऑफ मतलब जस्ट डॉलर, इस तरीके से हमें देखने को रिसाइकल प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट जो है ऑयल मार्केट यहाँ पर हमें देखने को है 10% CAGR है ना, मार्केट वैल्यू 100 मिलियन ये हमें देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए रूरल इंडिया में यहाँ पर डिक्लेयर देमसेल्व ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री जो है उन्होंने यहाँ पर वेस्ट कलेक्शन जो है वो भी स्टार्ट किया, सेग्रीगेशन सिस्टम स्टार्ट किया है ना। तो ये चीज़ जो है वो अच्छी होती है, जो वेस्ट है उसका क्या करेंगे, वेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट उसकी होनी चाहिए, नहीं तो अलग से यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो फेस किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे अमेंडमेंट्स 2018 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018, और अमेंडमेंट रूल जो है ले डाउन किए गए हैं फेजिंग ऑफ मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, यहाँ पर मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो बैग्स होते हैं उसको यहाँ पर फेज आउट करना है, ठीक है। और पाथवे जो है बाय विच प्लास्टिक एंटर द वर्ल्ड ओशन देखिए कहाँ कहाँ से कितना जाता है, तो इंडस्ट्रीज से कितना जाता है आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो प्लास्टिक इनपुट जो है
कितना ज़्यादा होता है। तो आप ओशन में देखोगे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ओशन डिप्लीशन है, ऑक्सीजन डिप्लीशन देखने को मिलता है, जिससे कि जो मराइन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है गवर्नमेंट के न्यू रूल्स, एमएसएमई पुश प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट टू इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर चेंजेस ला रही है इन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये हमने कल न्यूज़ आर्टिकल इसके रिगार्डिंग देखा था, इसलिए यहाँ पर फास्ट में मैं कवर करूँगा। तो एज ऑफ जून 26 अगर हम देखें, बैंक जो है उन्होंने सैंक्शन किए हैं लोन टू 30.11 लाख एमएसएमई और 11.2 लाख जो है वो डिसबर्स किए हैं। और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी लिमिटेड अगर देखा जाए, जो कि इसे रन करता है, उन्होंने देखा है कि काफ़ी अप्रूव किए गए हैं यहाँ पर। हमने इसके ड्रॉबैक्स भी देखे थे। ड्रॉबैक्स किस तरीके से देखे थे कि यहाँ पर जो एमएसएमई है उसमें किसे दिया जाता है, जी एक तो ये कि वो नए ना हो, और दूसरा ये कि उनका एनपीए जो है वो ना हुआ हो। अब यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो न्यू उनको ज़्यादा चाहिए होता है, या फिर जिनका एनपीए हो चुका है उनको ज़्यादा क्रेडिट चाहिए होता है। अब यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, जो प्रॉपरली पे कर रहे हैं, उनका तो बट ऑब्वियस अच्छा चल ही रहा है ना, फिर भी यहाँ पर इतना डिसबर्स जो है वो किया गया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम हमने ये देखा था कि जो बैंक्स है वो कोलैटरल फ्री यहाँ पर देने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक पहले ही यहाँ पर बैकफुट पे आ जाते हैं कि भैया कोलैटरल अगर रहे तो यहाँ पर फ़ायदा तो भी हो हमको, हम यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं, कोलैटरल नहीं रहा तो रिकवर कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मगर फिर भी यहाँ पर ये पाया गया है कि ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर गारंटी दे रही है ना। फर्स्ट टाइम बोरोवर, इंडिविजुअल बोरोवर, एनपी अकाउंट जो है वो फंड रेज नहीं कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देर आर 63 मिलियन एमएसएमई इंडिया में, मोर देन 90% जो है वो पर्सनल नेम से लोन जो है वो लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जितने भी एमएसएमई बोरोवर अकाउंट्स है, कंबाइंड आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो हमें इतना एट प्रेजेंट देखने को मिलता है, ठीक है, और एलिजिबल है स्कीम के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसमें अगर आप देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। 100% गारंटी कवरेज जो है फॉर एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म ऑफ 20% ऑफ देयर एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अप टू 25 करोड़, 5 करोड़ तक का एज ऑफ फेब्रुवरी, इतना सब्जेक्ट टू दी अकाउंट बीइंग लेस देन और इक्वल टू 60 डेज पास्ट ड्यू डेट। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या क्या हो सकता है, बूस्ट हो सकता है एमएसएमई को, टैक्स रिलीफ यहाँ पर दिया गया है, स्टार्टअप एमएसएमई को पुश दिया गया है, मतलब ज़्यादा क्रेडिट देने की बात की गई है, उसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्मिंग दी माइंडसेट जो है ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें आपको जो एमएसएमई के लिए किया गया है या फिर करने की बात बोली गई है, वो सारी चीज़ें हमने जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें कवर किया हुआ है 2020 के। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।